नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीडी कोचिंग इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। जीडी कोचिंग जो कि रोहतक के राजेंद्र नगर में स्थित हैं, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक प्रसिद्ध स्कूल के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है आर्मी पब्लिक स्कूल दगसई। आर्मी पब्लिक स्कूल दगसई हिमाचल प्रदेश के सोलन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। दगसई एक कैंट भी है और ये दगसई टाउन में स्थित है। APS दगसई के नाम से स्कूल जाना जाता है। इस स्कूल की स्थापना 1986 में की गई थी। दोस्तों, आर्मी वालों का स्कूल है। आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा ये संचालित किया जाता है। इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग आर्मी एयरफोर्स और नेवी में ऑन सर्विस हैं या रिटायर हैं, उनके बच्चों के लिए ये स्कूल एक ज़बरदस्त गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्यों है ये स्कूल इतना अच्छा इन सब आर्म फोर्सेस के पर्सनल के बच्चों के लिए, ये हम डिस्कस करते हैं। APS दगसई हिमाचल प्रदेश की वादियों में स्थित बहुत ही सुंदर स्कूल है। ये स्कूल इंडिया के टॉप जो बोर्डिंग स्कूल हैं उसमें छठे नंबर पर आता है। यह है स्कूल इंडियन पब्लिक स्कूल कॉन्फ्रेंस, जो कि इंडिया के टॉप स्कूल्स इसके मेंबर होते हैं, उसका मेंबर है। इन सब स्कूल्स के बीच में आपस में सभी स्पोर्ट्स के, डिबेट के, क्विज के और जितने भी एक्स्ट्रा करिकुलर होते हैं सबके कंपटीशन होते हैं, तो ये स्कूल भी पार्टिसिपेट करता है। हम बात करें तो APS दगसई डिफेंस फोर्सेस के पर्सनल के बच्चों के लिए कितना बेनिफिशियल क्यों है, इसके पीछे ये कारण ये हैं। जो आर्मी एयरफोर्स और नेवी में ऑन सर्विस और रिटायर पर्सन हैं, उनके बच्चों की फीस बहुत ही नॉमिनल है इस स्कूल में, अगर कंपेयर करें हम सिविलियन की फ़ीस से। डिफेंस फोर्सेस के जो पर्सनल के बच्चे हैं उनकी फ़ीस लगभग 1,60,000 है पूरे साल पर एनम की, और जो सिविलियन की फ़ीस है वो है लगभग 3,30,000 के आसपास। तो सिविलियन के लिए ये थोड़ा सा महंगा ही स्कूल है, बट डिफेंस वालों के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा एक अवसर है। NDA, IIT वगैरह के और जो बच्चे IAS, IPS के लिए जाना चाहते हैं आगे फर्दर स्टडीज़ में, उनका शुरू से ही बेस मजबूत किया जाता है। दोस्तों, जो हॉस्टल में फैसिलिटीज़ होती हैं सारी, जैसे कि सैनिक स्कूल में और मिलिट्री स्कूल में तैयारी की जाती है, ठीक उसी प्रकार से इस स्कूल में भी तैयारी करवाई जाती है। फैकल्टी वाइज, फैसिलिटी वाइज दोनों में ही ये स्कूल बहुत ही बेस्ट है। खाना यहाँ का बहुत ही अच्छा है, लोकेशन के हिसाब से इतना अच्छा है ये, पहाड़ों में स्थित, बहुत अच्छा टेम्परेचर रहने के लिए। आप ये देखिए, इसके उदाहरण, एक छोटा सा उदाहरण है कि इस स्कूल में हॉस्टल में भी कहीं पे कोई पंखा नहीं है, तो कितना अच्छा अनुकूल मौसम है रहने के लिए और पढ़ाई के हिसाब से। बोर्डिंग स्कूल्स में जाना बच्चे के लिए कितना ज़रूरी है आप इस बात से समझ लीजिए। छोटा सा एग्जांपल देते हैं, किसी को पहलवान बनना है तो अखाड़े में जाना है, किसी को हीरो बनना है तो बम्बई जाना है, अगर किसी को NDA क्लियर करना है, शुरू से ही IPS, IAS बनना है और या कोई फर्दर बड़े पद के लिए तैयारी करनी है, तो उसको बोर्डिंग स्कूल ऑप्ट करना ज़रूरी है। क्योंकि बोर्डिंग स्कूल का जो सिस्टम है वो पूरा एजुकेशन के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर, जो कि हम डिस्कस भी कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, फिजिकल ट्रेनिंग, मेंटली टफ बच्चे को डिसीजन मेकिंग, पब्लिक स्पीकिंग, मोटिवेशन, देश के प्रति जागरूक करना, फोर्सेस के प्रति जागरूक करना कि भाई हमें NDA क्यों ज्वाइन करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी जाती हैं। और सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल से एक जो पॉजिटिव पॉइंट इस स्कूल का है, यहाँ पर एडमिशन जो है 5th क्लास से शुरू जाते हैं। 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, इन सभी क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को ही प्रवेश मिलता है। जैसे हम सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में 6th का मौका चूक जाते हैं तो फिर 2 साल वेट करके 9th के लिए प्रिपरेशन करते हैं, 9th में सीटें बहुत कम होती हैं। इस स्कूल की ये अच्छी बात है, 5th से लेकर 9th तक बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को ही प्रवेश मिलता है। दोस्तों, आर्मी पब्लिक स्कूल दगसई को एड फुली रेजिडेंशियल CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल है।
और इंडिया के टॉप बोर्डिंग स्कूल में 6 नंबर पे आना एक बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। दोस्तों, कोई भी स्कूल महान अपने परिणामों से होता है और स्कूल के परिणाम ऐसे पता चल जाते हैं कि जो बच्चे यहाँ से पढ़ के गए हैं वो आज के दिन किन किन पदों पे हैं। तो आप स्कूल की वेबसाइट पे जाके इसके एलुमनाई देख सकते हैं, कितने कितने अच्छे अच्छे हर एक फील्ड में एक्टर्स, एक्टर, आर्मी पर्सनल, सिविलियन, आईएएस, आईपीएस जो यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं। ये स्कूल 1986 में एस्टेब्लिश किया गया था, लगभग 35 साल पुराना है और इस स्कूल को अवार्ड बहुत सारे मिले हुए हैं आईपीएससी से जो इस स्कूल ने जीते हैं। स्कूल के अंदर प्रतिस्पर्धा का बहुत ही अच्छा माहौल रहता है इंटर हाउस कॉम्पिटिशन के द्वारा। बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना, बड़े बड़े जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा स्पीच दी जाती हैं और आर्मी के जैसे हेड ऑफ़ द आर्मी स्टाफ हैं, एयरफोर्स चीफ हैं और ये सब भी विजिट करते हैं। दोस्तों, इस स्कूल को आर्मी के जो आर्मी के ऑन सर्विस या एक्स सर्विसमैन हैं उनके बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद अवसर हैं स्कूल में। इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य है जो फौजी भाई हैं जिनको नहीं पता कि वो देश के लिए सेवा कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ने उनके बच्चों के लिए भी कुछ न कुछ बेनिफिट्स दिए हुए हैं ऐसे स्कूल खोलकर, ताकि उनको पता चल सके। इस स्कूल के फॉर्म दिसंबर में भरे जाते हैं और फरवरी में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम लगभग ऑल ओवर इंडिया होता है, मोस्टली कैंट्स में होता है। ऑल ओवर इंडिया 19 जो हैं पॉइंट्स हैं, स्टेशन्स हैं जहाँ पर होता है, मोस्टली कैंट्स में। अगर अपने आसपास की बात करें तो हम चंडी मंदिर है कैंट, हिसार कैंट है और दिल्ली कैंट है, यहाँ पर होता है। इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के उल्टा, वहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और यहाँ पर सब्जेक्टिव टाइप होता है। 300 नंबर का एग्ज़ाम फिफ्थ क्लास के लिए और उसके बाद 400 नंबर का एग्ज़ाम होता है। फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ में गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए प्रवेश हैं। दोस्तों, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और गुरुकुल कुरुक्षेत्र, एपीएस दक्षाई, इन सब के बारे में पेरेंट्स को ये भी रहता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन उनके लिए है बहुत ज़्यादा जो सिर्फ फॉर्म फिलअप करके और नॉर्मल ऑर्डिनरी स्कूल में पढ़ के बिना प्रिपरेशन के पेपर देने जाते हैं। अगर आप बच्चे को तैयारी कराएंगे लगभग एक साल, 8-10 महीना, वो बच्चे पे डिपेंड करता है, 1.5 साल भी ले सकता है, कोई कोई बच्चा आईक्यू अच्छा है तो 6 महीने में भी कर सकता है। जो बच्चा तैयारी करके जाता है उसके लिए इतना कंपटीशन नहीं होता है। कई बार हम एक नॉर्मल स्कूल के फीडबैक पे आश्रित रह के कि हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा शार्प है, बहुत ज़्यादा तेज है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये सोच लेते हैं। तो दोस्तों, जो पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं उनको इस स्कूल, इन सभी स्कूल्स का, बोर्डिंग स्कूल्स का एक बार एंट्रेंस एग्ज़ाम ज़रूर दिलवाना चाहिए, ताकि हम क्लियर हो जाएं कि हमारा बच्चा कहाँ पर स्टैंड करता है। जो लोग इस उद्देश्य से चाहते हैं कि भाई ट्वेल्थ के बाद जो कंपटीशन है बच्चा एकदम से ना उसके ऊपर प्रेशर पड़े, वो शुरू से ही ओवरऑल डेवलपमेंट में चले। ओवरऑल डेवलपमेंट का मतलब है एजुकेशन के अलावा और सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटियाँ, डिसीजन मेकिंग, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसकी फिजिकल फिटनेस कैसी है, वो मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग है, वो टफ सिचुएशंस में अपने आप को कैसे हैंडल कर पाता है, ये सब सारी चीज़ें जो हैं बोर्डिंग स्कूल्स में करवाई जाती हैं। दोस्तों, अगर कोई पेरेंट्स जीडी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपने बच्चे की तैयारी करवाना चाहते हैं तो आप सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।